हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एच आर 71 में। मैं हूं सरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं एच आर 71। अक्सर आप लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते होंगे, घर में पेड़ पौधा लगाने के लिए, और जैसे कि आजकल माहौल किस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम लोगों को घर के अंदर पेड़ पौधे, फूल या कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, पेड़ पौधों से जुड़ी। जो लोग पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, घर के अंदर सजावटी फूल पत्तियाँ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर कस्बे के कपालमोचन रोड पर ग्रीन वैली नर्सरी पर, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के पेड़ पौधे, सभी फल फूल, प्लास्टिक और सीमेंट के सुंदर गमले सब कुछ मिलने वाला है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देख सकते हैं किस तरीके से घरों में, कोठियों में सजावट के लिए जो भी आप लोग लगाते हैं चीज़ें, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे आपको वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे भाई साहब से। सबसे पहले स्वागत आपका मेरे चैनल पर। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नई नर्सरी की मुबारकबाद। क्या कुछ बताएंगे, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं? सर देखो, मेरा ना शौक़ था काफ़ी फूल फूल पौधों के बारे में, तो मैंने घर पे भी 15-20 साल से मैं पौधों का काम करता था अपने घर पे शौक़ के लिए। तो मैंने सोचा कि जब मेरे को शौक़ है और लोगों को भी शौक़ है, तो मेरे को यमुनानगर जाना पड़ता था पेड़ पौधे लेने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मेरी तरह और लोगों को भी यमुनानगर ना जाना पड़े, तो मैंने यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू किया है नर्सरी। तो चलिए आपकी नर्सरी में देखें क्या कुछ चीज़ें हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए लैला मजनू। ये क्या नाम है, ये क्या चीज़ है लैला मजनू? ये डेकोरेशन का प्लांट है, गमले की आइटम है। इसका नाम लैला मजनू क्यों है? लैला मजनू इसी, इसके अंदर दो कलर के पत्ते हैं। दिखाओ। नीचे से ये रेड कलर का है। अच्छा। और ऊपर से ये ग्रीन कलर का है। अच्छा, ये ऊपर नीचे का क्या सीन है? बस ये तो वैरायटी है। अच्छा, इसका नाम इसी लैला मजनू रखा है। और चलते चलते सारी नर्सरी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वन बाई वन, आपको जो जो चीज दिखती जाती है ना, तो वो बोलते बोलते चलते जाइए। ये क्या चीज है? ये कनेर का पौधा है। ओके। ये मोतिया है। ओके। ये एक्जोरा है, बारहमासी इस पे फ्लावरिंग आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये साइन ऑफ इंडिया है। सन ऑफ इंडिया, ये देखिए सन ऑफ इंडिया है। इसका नाम सन ऑफ इंडिया क्यों रखा गया? इसकी मतलब शाइनिंग है इसमें। okay, बारहमासी okay, okay. ऐसे ही रहता है। ये मोर पंखी है। अच्छा, गोल्डन हमेशा कोठियों में लगाते हैं लोग। जी जी, ये गोल्डन मोर पंखी है, देसी मोर पंखी है। ये पाम है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है ये प्लांट। ये बोटल पाम है बड़े वाला, ठीक है जी। इधर ये भी बोतल पाम की छोटी वैरायटी है। ये चीड़ है। अच्छा ना, हिमाचल में होता है, मतलब पहाड़ों पहाड़ी एरिया में तो घरों में भी लगा सकते हैं। जी, इसको? जी जी जी। ये चंपा का पौधा है, ये छाया के लिए भी बेस्ट है, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं। इसमें की सारी वैरायटी हैं, चाइना पाम है, बोनस पाम है, आगे रैपिस पाम है। ओके, ये वाइट वाइट छोटे छोटे फूल पत्तियाँ सी क्या है? ये ड्रॉप चांदनी। अच्छा, ड्रॉप चांदनी। जी जी। तो साथ साथ में इनके एक एक, जैसे ये एक एक क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप चांदनी नहीं, ये जैसे एक पैकेट में रखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? थैली। एक थैली है। इनका रेट भी बताते जाएंगे साथ साथ। ये आपको मात्र 40 रुपये में पड़ेगा। 40 रुपये में। चलिए आगे और वैरायटीज दिखाइए, ये किस तरीके से, ये पूरा जो दोस्तों आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है एक ही नर्सरी के अंदर। ये ड्रेसिना है, ग्रीन ड्रेसिना। इसका पैकेट का बताते जाओ साथ साथ। हाँ, ये आपको 30 रुपीज़ का पड़ेगा। ओके, ये क्या है? ड्रेसिना। ड्रेसिना, ये ड्रेसिना की वैरायटीज है अलग अलग। ओके ओके ओके। अक्सर जो घरों में कोठियों में लोग लेते हैं, वो कौन सी वैरायटीज यूज होती है? सारे लगभग परमानेंट प्लांट लेते हैं कोठियों में, जो मतलब पूरे 12 महीने हरे भरे रहते हैं। तो घरों में कौन सा, मतलब कि कोठी में या घर में कौन सा ऐसा पेड़ पौधा रखना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन भी हो और एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो? पाम की सबसे बेस्ट वैरायटी है ये, 12 के 12 हरा भरा रहता है पाम, और मोर पंखी भी ग्रीन रहती है। उसके बाद ये बहुत शानदार लग रहा है। एक चीज़, ये कॉलियस है, मात्र 50 रुपये का पेड़ है कॉलियस। अच्छा, एक का। जी जी। तो ये अंदर बिना धूप में भी चल जाते हैं क्या? ये इंडोर आउटडोर दोनों। ओके। पीस लिली है। ये क्या चीज़ है? पीस लिली। अच्छा, हाँ। तो इसका पैकेट ये 120 रुपये का। 120 रुपये। तो चलिए और क्या कुछ खास है आपके पास यहाँ पर, वो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। ये क्या चीज़ है, ये वाइट वाइट से? ये भी चांदनी है, इसका पत्ते वाइट हैं और बारहमासी इस पे फ्लावरिंग आती है। अच्छा, एक जो रात को खुशबू होती है, रात की चांदनी वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जो घरों में अक्सर खुशबू हमें देखी जाती है और सूंघी जा सकती है, वो क्या चीज़? ये चीज़ रात की रानी होती है। अच्छा, इसको रात होते ही इसमें से खुशबू आती है। अच्छा, और क्या चीज़ आपके पास स्पेशल है? तो लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाने का मौका जो गुड़ल, पूना वाली गुड़ल है।
अच्छा, तो इंडियन तो होंगे होंगे, बाहर की कुछ प्रजाति भी आपके पास है? बाहर की जो बाहर की कंट्रीज वाली नहीं है, इंडिया की सारी वैरायटीज है। इंडिया की सारी वैरायटीज है। और आप क्या सफेदा में भी डील करते हैं, और क्या क्या चीज में डील करते हैं? मैं सफेदे का बता दूंगा आपको वैरायटीज, पहले एक बार नर्सरी का व्यू ले। नर्सरी का और दिखाइए क्या कुछ। ये स्नेक प्लांट है, ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये भी इंडोर वैरायटी। स्नेक प्लांट, इसका नाम स्नेक क्यों? स्नेक जैसा कलर है इसका, इस वजह से जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एनवायरनमेंट से जुड़ी वीडियो, जिसके अंदर आप अपने घर पे अंदर पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जी भाई जी, आप क्या कुछ बताएंगे इस पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में? वैरायटी होती है, डफन बिचिया वैरायटी है जी, और देखने में ऐसा लगता है प्लास्टिक जैसा, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी, और क्या चीज़ है? और ये भी सब इंडोर वैरायटी है सर ये। तो इनकी लाइफ वगैरह क्या होती है, कब कितने सालों तक ये चलते रहते हैं, क्या लाइफ? ये परमानेंट चलता रहता है जी, थोड़ा केयर का होता है बस, एक साल के, वन ईयर के बाद इसका पॉट चेंज करना चाहिए। केयर से बात आई तो जैसे अक्सर माली वगैरह की जरूरत पड़ती है, और क्या कुछ रख रखाव होता है, क्या कुछ इनका खाद वगैरह बीज क्या कुछ रहता है? खाद वगैरह बीज वगैरह हमारे पास सब अवेलेबल है जी, वन ईयर्स के बाद इसका पॉट चेंज करना चाहिए जी, प्रत्येक इसका जितनी भी वैरायटी होती है जी। खाद हमारे पास ऑर्गेनिक खाद है, और कोकोपीट वगैरह है हमारे पास। ओके जी, और क्या कुछ आपके पास खास है, जो अक्सर लोग सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लोग शॉपिंग करते हैं यहाँ से, क्या जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी कुछ खरीदारी हो रही है, तो क्या कुछ ज़्यादातर क्या कोठियों में घरों में क्या चीज़ लेके जाते हैं लोग? ये ज़्यादातर इंडोर वैरायटी चलती है जी कोठियों में, वाइट गमले वगैरह हो गए, क्रोटन वगैरह होगी, ये सब इंडोर में चलती है जी। जी, बरसात का सीज़न चल रहा है, अब फूल फुलवाड़ी का मौसम आ रहा है जी, अब काफ़ी फूल की वैरायटी भी हमारे पास आ रही है, कुछ तैयार भी की हुई है, और फल फ्रूट की भी अपने पास लगभग काफ़ी वैरायटियां हैं। तो हमारे साथ फिर से हैं भाई जी, और क्या दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी नर्सरी है और सारे वैरायटीज घर बैठे सारे दर्शकों को दिखनी है। एलो कैरिया, एरो कैरिया है, इंडोर वैरायटी है। अच्छा, 200 रुपए का पेड़ मात्र, और इसका बड़ा लगभग 4 फुट की हाइट में है ये, 400 रुपए का प्लांट। अच्छा, ये कौन सा है? ये भी एरो कैरिया का बड़ा प्लांट है। ओके, आम की हमारे पास 5-6 किस्म है। अच्छा, दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, और बारामासी भी है। तो ये कितने टाइम में फल आम जैसे अगर आप अब लगाओगे तो नेक्स्ट सीजन में इस पे फल आ जाएगा। अच्छा, तो एक बारामासी का पेड़ है, एक उस पे ये पौधा अलग अलग है, 150 रुपये से स्टार्टिंग है, 500 रुपये तक का पेड़। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरीके से ऑक्सीजन कम होती जा रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, लोगों को एनवायरनमेंट से जुड़े रहने के लिए क्या अपील करेंगे भाई जी? जी बिल्कुल, देखो जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन बढ़ रहा है जैसे, इसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि आबादी के पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, पर हम एक काम कर सकते हैं कि हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ये हमारे हाथ में। तो मेरी यही अपील है सबसे कि कम से कम अपने घर में प्लांट लगाएं, कम से कम अपने घर के का एनवायरनमेंट तो आप पोल्यूशन फ्री करें जी। तो दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस भाई का नंबर दूंगा। अगर आप भी कोई भी पेड़ पौधा यहाँ से ले जाना चाहते हैं, फूल पत्ती व्हाटएवर जो भी आपको डिमांड है, वो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग खरीदारी करने आए हैं, उनसे भी जान लेंगे आखिर वो क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं, क्या कुछ अच्छा। सर कहाँ से आए हैं, क्या कुछ लेने आए थे यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? समसद रातबदरी में गए थे। कहाँ से आए हो? रातबदरी गए थे। रहने वाले कहाँ से हो? जुड्डा से खान। अच्छा, तो क्या कुछ ले रहे हो यहाँ पे? बस देख रहे, तो एनवायरनमेंट से प्यार है आपको? हाँ, देख के रुके, तभी तो देख के रुके। क्या लेने का विचार है? लिए एक दो पौधे लिए। वैरायटीज है यहाँ पे बहुत सारी? हाँ, वैरायटी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। मारे के पालमोचन बिलासपुर में ऐसा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे, आजकल पेड़ पौधे काट रहे हैं, घरों में भी लोग नहीं लगाते, तो क्या करेंगे? लगाने चाहिए लोगों को, घरों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। हाँ, लगाने चाहिए जी, लगाने चाहिए जी। तो लगातार आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, काफी चीज है आपको दिखाएंगे। चलिए भाई जी, और क्या कुछ रह रहा है हमारे यहाँ पर नर्सरी में, तो चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास पूरी वैरायटीज है गमले की, प्लास्टिक और सीमेंट के गमले। हाँ जी, तो ये आपको यहाँ पर गमले जो है वो भी यहाँ पर मिलेंगे, चाहे वो पत्थर के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों। ये आप देख सकते हैं वॉल पे टांगने वाले, आपको सभी प्रकार के जो है गमले यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो भाई जी से फिर संपर्क करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हैंगिंग बास्केट है ना, इसमें कलर है कई तरह के, अलग अलग इसमें डिजाइन है। ये मात्र 50 रुपये की है हैंगिंग बास्केट जी, और ये 70 रुपये का है मग, और ये बास्केट 40 रुपये की मिलेगी आपको। अच्छा, ये आपको 60 रुपये की मिलेगी। बात अगर कोई अच्छा 71 का नाम से लेकर आता है तो कोई डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है? बिल्कुल, आपके नाम से अगर कोई यहाँ आएगा उसको डिस्काउंट देंगे। चलिए, और क्या कुछ रह रहा है सर? गमले में हमारे पास बहुत वैरायटी है। ये क्या ऑर्गेनिक मैन्योर, ये क्या चीज़ है? ये खाद है। अच्छा, स्पेशल गमलों में जो पौधे होते हैं उनमें डालने के लिए खाद है हमारे पास। तो इसका स्पेशल क्या रेट है? ये 50 रुपये का पैकेट है मात्र। अच्छा, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में लग जाती है? थोड़ा थोड़ा ये गमलों में डालना होता है उसे पूरी ग्रोथ जी। स्पेदे की अगर बात कर रहे थे आप, स्पेदे की वैरायटीज की बता रहे थे, वो कहाँ पर हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन वैली नर्सरी, जो कि
कपाल मोचन बिलासपुर रोड पर अहडवाला के चौक पर है। लगातार तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद आपको हर प्रकार की वीडियोस दिखाई जाए। एनवायरनमेंट से जुड़ी वीडियो आज दिखा रहा हूँ आपको। जी ये क्या कुछ चीज़ है, इसको क्या कहना चाहिए? ये क्लोन सफेदा है, जो हमारे एरिया के किसान थे उनको क्लोन का सफेदा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो उनकी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ क्लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। इसके अलावा हमारे पास जो खेतों में जैसे आजकल आवारा पशु बहुत घूमते हैं, तो उसमें खेतों के लिए बाड़ के लिए हमारे पास पिलर भी उपलब्ध हैं, हम पिलर की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसका 5 फुट का पिलर आपको 200 रुपये का पड़ेगा एक पिलर जी, और 6 फिट का पिलर आपको 250 रुपये का पड़ेगा जी। इसमें मटेरियल हमारा 3-1 का मटेरियल होगा पिलर में, और 3 सरिये डले होंगे इसमें। हमारे पास 3 वैरायटी हैं क्लोन की इस वक्त, 7 नंबर, P23 और 413 जी। तो अंत में हमारे दर्शकों को अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपनी नर्सरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि इको फ्रेंडली बने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। यहाँ आपको जायज़ रेट पे सभी पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। लोकेशन? और लोकेशन हमारी आदबद्री रोड गाँव अहडवाला, मेन रोड रणजीतपुर के ऊपर ही है हमारा, कपाल मोचन से मात्र 100 मीटर आगे। जी फ़ोन नंबर हमारा है 9050015112। तो इस पूरी नर्सरी को मेंटेन करने वाले भाई साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद जी क्या कुछ बताना चाहेंगे, घरों में किस तरीके से हम अपने पेड़ पौधों को किस तरीके से बीमारियों से, मौसम से कैसे बचा सकते हैं? देखो जो हमारे पास होती है खाद होती है, वैसे भी कई तरह की खाद होती है, जैसे वो लग डिमक डमक वगैरह आ जाती है, डिमक में फोरेट लगानी चाहिए। अगर वैसे भी कोई बीमारी आ जाती है तो खाद ले या पूछे, डिमक के लिए तो फोरेट ज़रूरी है। और वैसे भी है हमारे पास इंदौर प्लांट भी है, और ये क्रोटन है, इसे धूम में लगा सकते हो क्योंकि ये देसी है। और हमारे पास पुना वाली भी है जो अंदर इंदौर में लगा सकते हो। अच्छा इसका क्या नाम है? ये क्रोटन है, यह क्रोटन की हमारे पास हर वैरायटी मिलेगी, देसी भी मिलेगी और पुना वाली भी मिलेगी, सारी मिलेगी हमारे पास। और तो किस तरीके से जो घरों में हम रखते हैं उनको क्या ऐसी खास जो उनकी मतलब कि एक खुदाई है, या उनका किस तरीके से कर सकते हैं, पानी कब देना है, कैसे क्या कुछ रहता है? अगर इंदौर प्लांट लगा रहे हैं तो 2 दिन तो लगातार पानी दो, और 2 दिन के बाद उसमें पानी एक दो दिन रुक के दे पानी, क्योंकि अगर जो इंदौर प्लांट छाँ में लगा रहे हो आप, जैसे घर में रख लिया वगैरह, तो आप उसमें पानी कम दो, क्योंकि पानी के वजह से गल जाता है पेड़। अगर जो ज़्यादा पानी दोगे रोज़ की रोज़ तो पेड़ गल जाएगा और दिक्कत होता है। जैसे कि आज लगाया पेड़ तो 2 दिन लगातार दो, 2 दिन के बाद फिर रुक के दो पानी, एकदम ना दो। हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे, कौन से पेड़ पौधे घरों में ज़्यादातर लगाने चाहिए? देखो सजावट के लिए बहुत काफ़ी पेड़ है, वैसे दिख जाएंगी वैरायटी। हाँ वैरायटी है, देखो ये पुना वाला छाँ की क्रोटन लगाने, तो छाँ की क्रोटन है पुना वाली, इसे छाँ में लगा सकते हो आप। अच्छा। इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी और एक पेड़ गलना ही नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। और भी मेंटिस है देखो ये। अगर पानी क्रोटन है, ये भी क्रोटन है, इसे आप छाँ में लगा सकते हो। तो ये इसका कलर ही ऐसा है, बीच बीच में येलो येलो डॉट्स है, इसका कलर ही ऐसा है, मतलब कि कोठियों के लिए, घर के लिए, मकान बहुत अच्छी रहती है, या कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन लगती है। और इसमें कलर छा में भी हर कलर मिल जाएगा इसमें। चलिए हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहा था मैं आपको कपाल मोचन ग्रीन वैली नर्सरी से। अगर आप भी, आपके घर पे भी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हों, एनवायरनमेंट से जुड़े रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, तो घर में, अपने गार्डन में, अपने खेतों में कहीं ना कहीं तो एक ना एक पेड़ पौधा ज़रूर लगाएं, और इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी ज़रूर बनाए रखें। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप नीचे दिए गए नंबर पर इस नर्सरी के ओनर से बात कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज हों ज़रूर बताएँ। HR71 के लिए बिलासपुर से सरनजीत।